हेलो बच्चों, मैं तोरल पटेल फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2। बच्चों, पार्ट 1 में हमने चित्र के आधार से दयालु शिकारी कहानी सीखी। कहानी से हमें यह सीख मिली कि पशुओं को भी धरती पर जीने का अधिकार है और हमें पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए यह बात सीखें। और कहानी के आधार से MCQ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए उनकी चर्चा की थी। आज हम पार्ट 2 में दयालु शिकारी चित्र कहानी से क्वेश्चन आंसर की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर लिखें। फर्स्ट वन, इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है? आंसर, इस चित्रपाठ में एक हिरनी की बात है। सेकंड, आपने किन किन पशुओं को देखा? बच्चों, आप लोगों ने जो जो पशुओं को देखा है उनका नाम आंसर में लिखना है। थर्ड वन, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरण, भालू, लोमड़ी, सियार, खरगोश, बंदर आदि कई जानवर देखने को मिलते हैं। फोर्थ वन, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। बच्चों, पार्ट 1 में आप लोगों ने दयालु शिकारी कहानी लिखी थी। ये कहानी में से कोई भी 5 वर्ड आप लोगों के उसके आंसर में लिखना है। फिफ्थ, चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 ऊपर में आप लोगों ने जो शब्द सिलेक्ट किए हैं उसका इस्तेमाल करके क्वेश्चन नंबर 5 में उनका सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। उदाहरण, फर्स्ट, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? आंसर, पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। सेकेंड, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? आंसर, हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधे के पत्ते खाती होगी। थर्ड, हिरनी देखने में कैसी है? आंसर, हिरनी देखने में मोटी ताजी है। फोर्थ, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? आंसर, शिकारी मांस खाने के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। फिफ्थ, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? आंसर, गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया। सिक्स, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? आंसर, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसमें एक शावक को जन्म दिया है। हिरनी रो रही है। सेवेंथ, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? क्यों?
शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल ले गया क्योंकि वह उसका इलाज कराना चाहता था। 8. शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। प्रश्न नंबर 3, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। उदाहरण ख, ख से शब्द दिया है खरगोश, खत्म, खाली, खाना। अब हमें ट से बनाना है, ट से टका, टखना, टमटम, टमाटर, ऐसा कोई भी 10 वर्ड आप लोगों को लिखना है। ड, ड से ड, ड से डग, डगमग, डकार। म, म से मकड़ी, मधुर, मकर, मीन, मौन, ऐसा कोई भी 10 वर्ड्स आप लोगों को म से लिखना है। भ, भ से भगत, भगदड़, भगवा आदि। अब नेक्स्ट, आज दूसरी स्टोरी चित्र के आधार से हम सीखेंगे कौवा और लोमड़ी। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 4। कौवा और लोमड़ी। कुछ लोग खुशामद के द्वारा दूसरों को मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की चाल चलते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत होती है और उनके जाल में फंसना नहीं चाहिए। इस चित्रपाट में एक चालाक लोमड़ी एक कौवे की बढ़ाई करके उसे मूर्ख बनाकर उससे रोटी हड़प लेना चाहती है, लेकिन कौवा होशियारी से काम लेता है और लोमड़ी को खाली हाथ चले जाना पड़ता है। इस कहानी में हमें 6 चित्र दिया गया है। पहले चित्र में एक कौवा पेड़ की डाल पर बैठा है, उसके मुंह में एक रोटी है। चित्र नंबर 2 में उस पेड़ के नीचे एक लोमड़ी आती है, कौवे लोमड़ी को देखता है। तीसरे चित्र में लोमड़ी की नज़र कौवे की रोटी पर पड़ती है, लोमड़ी को भी रोटी खाने की इच्छा होती है। चौथे चित्र में लोमड़ी कौवे से कुछ बातें करती हुई नजर आ रही है। पांचवें चित्र में कौवे ने अपनी रोटी अपने पंजे से पकड़कर कुछ गाता हुआ नजर आ रहा है और लोमड़ी सुन रही है। छठे चित्र में कौवे अपनी रोटी मुंह में ले लेता है और लोमड़ी निराश होकर चली जा रही है। बच्चों, 6 चित्र का सभी चित्रों का हमने अभी अभ्यास कर लिया है। अब हम कहानी तैयार करेंगे कौवा और लोमड़ी। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। उतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा,
कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया कौवा भैया, कोई गाना सुनाइए ना, आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से काँव काँव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। अरे, यह कौवा तो समझदार लगता है, ऐसा वह मन ही मन बोली और चलती बनी। फिर कौवे ने मजे से रोटी खा ली। सचमुच अपनी झूठी बढ़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। बच्चों, सेकेंड कहानी कौवा और लोमड़ी, ये कहानी आप लोगों को नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट, अब हम कहानी के एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट, किसके मुंह में पानी आ गया? ए, सियार के। बी, कुतिया के। सी, लोमड़ी के। डी, भालू के। आंसर, सी, लोमड़ी के। सेकेंड, पेड़ की डाल पर कौन बैठा था? ए, कबूतर। बी, मोर। सी, कौवा। डी, कोयल। आंसर, सी, कौवा। थर्ड, लोमड़ी कैसी थी? ए, चालाक। बी, भोली। सी, शर्मिली। डी, मूर्ख। आंसर, ए, चालाक। फोर्थ, कौवा कैसा था? ए, मूर्ख। बी, समझदार। सी, चापलूस। डी, धोखेबाज। आंसर, बी, समझदार। फिफ्थ, अपनी झूठी बढ़ाई सुनकर कौवा डैस नहीं हुआ। ए, गुमराह। बी, दुखी। सी, परेशान। डी, चकित। आंसर, ए, गुमराह। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट, लोमड़ी ने पेड़ की डैस पर कौवे को देखा। आंसर, डाल। सेकेंड, कौवे को लोमड़ी को कौवे का खाना डैस लगता था। आंसर, मीठा। थर्ड, लोमड़ी ने कौवे से डैस सुनाने के लिए कहा। आंसर, गाना। फोर्थ, कौवा लोमड़ी की डैस समझ गया। आंसर, चालाकी। फिफ्थ, फिर कौवे ने मजे से डैस खा ली। आंसर, रोटी। बच्चों, ये कहानी और क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये सब नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट पार्ट 3 में हम उनके सही वाक्यांश, क्वेश्चन आंसर और संज्ञा की चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।